वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 11th में टॉपिक सेट्स का लेक्चर नंबर 7 आज मैं आपको करा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ स्टूडेंट, थ्री सेट्स प्रॉब्लम्स। लेट अस कंसीडर ए बी सी बी द थ्री फाइनाइट सेट्स। सो वी हैव एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वस टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस माइनस आएगा यहाँ पर भी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक फॉर्मूला है थ्री सेट्स का जो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट ये डेरिवेशन कैसे होता है इसका, क्यों आता है ये ऐसा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके लिए मैं आपको एक वेन डायग्राम जरूर बना के दिखाऊंगा। देखिए मैंने एक वेन डायग्राम बनाया यहां पर, दिस इज द यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स, और इस वेन डायग्राम में आप यहां पर देखेंगे देयर आर थ्री सेट्स। एक तो सेट ए है, एक सेट मेरे पास यहां पर सेट बी है। थोड़ा सा स्टूडेंट में थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहूँगा जिससे कि मुझे वहाँ पर कुछ कॉमन लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा बनाना चाह रहा हूँ मैं इसको। चलिए जी, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा ले लिया यहाँ पर बड़े में, और ये है ये, और स्टूडेंट ये कुछ इस तरह से, और स्टूडेंट कुछ ये इस तरह से। चलो मैंने यहाँ पर ये ले लिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये है जी, ये कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया मैंने, थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम रह गई है, इसको भी सही कर देता हूँ। अब ठीक है, तो मेरे पास ये थ्री फाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, अब मैं ये सेट मेरे पास ए है स्टूडेंट्स, ये सेट बी है, और ये सेट मेरे पास यहाँ पर सी है। अब स्टूडेंट जो कॉमन है, जो तीनों में यहाँ पर कॉमन है, जरा उसे देखेंगे, ये तीनों में कॉमन है ये वाला पोर्शन। तो स्टूडेंट ये होता है, देखिए जो तीनों में कॉमन होता है ये होता है ए एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखूं, देखिए यहाँ पर n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये वाला स्टूडेंट ये जो पोर्शन है, और ये तीनों का कॉमन है यहाँ पर, और ये जो होता है यहाँ पर देखिए दो दो का कॉमन है यहाँ पर, ये है स्टूडेंट a n, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको इससे लिखता हूँ n a इंटरसेक्शन b, और ये है n B इंटरसेक्शन C, और स्टूडेंट ये है N A इंटरसेक्शन C। देखिए स्टूडेंट, नहीं 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 स्टूडेंट, ये है N A इंटरसेक्शन C। तो मैंने तीनों ग्रीन से लिख दिए हैं वाले जो हैं, क्लियर हो गया होंगे आपको ये। अब ये जो है ना, ये N A है, केवल A, जिसमें केवल A आ रहा है, ये केवल B आ रहा है, और ये केवल सी आ रहा है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपका ये बना दिया है यहाँ पर ये। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मुझे ये प्रूव करना है, चलिए मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एन ए यूनियन बी यूनियन सी। स्टूडेंट मैं यहाँ पर ना इसको देखिए, इसको एक मान लेता हूँ इसको ये, और मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देता हूँ बड़ा, ये ए है और ये बी है पूरा, और इसमें टू वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रहा हूँ मैं, जो दो के लिए मैंने फॉर्मूला जो बताया है, अगर कोई टू के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर मैं एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि एन, अगर मान लीजिए एक्स यूनियन वाई है तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स
इंटरसेक्शन वाई, इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो देखो कितना आएगा यहाँ पर, इस रूल के अकॉर्डिंग एन ए, ये एन ए आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये एन ए हो गया, प्लस ये क्या आएगा एन बी, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आगे, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एन, देखिए मैं इसका इंटरसेक्शन यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आ गया भाई स्टूडेंट। इसके अकॉर्डिंग देखो इस प्रॉपर्टी जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, इसका डेरिवेशन टू वाला 1.6 में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो इसी से कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, क्लियर हो गया सबको बच्चों। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको डिमॉर्गन्स लॉ बताया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया, मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करूँगा। ये जितना लिखा हुआ है था ये लिख देता हूँ उसको मैं, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस, अब इसमें लगा रहा हूँ मैं कौन सा रूल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ लगाऊंगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो क्या आएगा देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है ये वाला जो है, मैं इसके लिए आपको यहाँ पर अलग से कुछ लिख के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, और वो ये आएगा देखिए, या मैं डायरेक्टली यहाँ पर लगा दूँ, ए डायरेक्टली लगा देते यहाँ पर एन ए यूनियन बी, सॉरी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया यूनियन एन, कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, यूनियन आ गया और ये ए इंटरसेक्शन सी, ये मैंने बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताए हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा करके आपको बता दिया है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस, अब यहाँ पर आप जरा देखें फिर ये रूल आएंगे हम, ये पूरा एक्स एक तरह से देखा है, ये एक्स है और ये क्या है वाई है, अब इसमें यही वाला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसी ब्रैकेट में ही कर रहा हूँ, देखिए तो क्या आएगा एन एक्स, एन एक्स, एन एक्स का मतलब ये आ गया बी, एन एक्स प्लस एन वाई, एन वाई का मतलब ए इंटरसेक्शन सी, आगे क्या आएगा माइनस माइनस एक्स इंटरसेक्शन, इतना तो एन, अब क्या आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्या आएगा स्टूडेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखिए यहां पर आ जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी एंड बी, और यहां पर भी चलिए मैं इसको ना एक काम करता हूं स्टूडेंट, ये मैंने यहां पर इसको यहां पर ना बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं मैं, ये बड़ा ब्रैकेट कर रहा हूं, और यहां पर मैं स्टूडेंट्स इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ये पहले यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और ये बड़ा ब्रैकेट। उम्मीद करता हूँ बच्चों सबको ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई बच्चों, ये जो लाइन है ये सबको क्लियर होगी। मैंने यहाँ पर कौन सा दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बच्चों, मैंने इन दोनों में ये एक्स है और ये वाई है, यही वाला आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने लगा दिया, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब आगे देखेंगे एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस स्टूडेंट माइनस, इसको यहाँ पर हटाएंगे तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी माइनस का हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस से प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ध्यान रहे ये जो होता है ना एन बी इंटर, ये इसका मतलब यहाँ पर क्या जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, और यही हमें लाना था स्टूडेंट। इसको एक मिनट जस्ट वन मिनट स्टूडेंट, इसको भी यहाँ पर मैं
स्टूडेंट मैं बार बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं इसको भी यहाँ पर ना स्टूडेंट मैंने बस एक काम करता हूँ बच्चों, मुझे बस इसमें और अप्लाई करना है यही वाला फॉर्मूला, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ही अप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पर चलो अब यहाँ कर देता हूँ तो क्या है, मिटाते नहीं हैं। एन ए प्लस इसी में भी लगा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला ही, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑलरेडी हमारे पास है ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपको, यही मुझे लाना था, ये आ गया यहाँ पर ये, तो ये मैंने आपको इसका डेरिवेशन बता दिया है। और अब इस पर जो बेस क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करा देता हूँ जो सॉल्व हमें कैसे करने हैं स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो फॉर्मूला है सभी बच्चों को बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, या इसके कुछ अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में जो नोटेशन है वो मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इस पर कुछ और भी ऐसे हैं प्रॉपर्टीज़ हैं इसी फॉर्मूले पर, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखेंगे तो ये मैंने आपको समझा दिया, अब आगे के लिए अगर हम देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्बल डिस्क्रिप्शन में हम देखें यहाँ पर, तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा लिखवा दूँ उसके बारे में क्या क्या है यहाँ पर, ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया थ्री वाले के लिए बता रहा हूँ, नॉट ए आपको पता ही है और केवल ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ओनली ए थ्री सेट्स अगर गिवन हों और तब हमें वहाँ पर ओनली ए ओनली बी ओनली सी अगर आ रहा हो तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कहीं आ रहा हो ओनली ए, तो ओनली ए या ओनली बी या आ रहा हो ओनली सी, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ए केवल ए आ रहा है तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसके लिए ओनली बी है तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा और इंटरसेक्शन सी के जो आ रहा है ना जो ओनली जो कह रहा है उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लाएंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दिस वन सी, ये आ गया भाई बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये होता है यहाँ पर नोटेशन है इस तरह से कर पाएंगे हम। अगर यहाँ पर कह रहा हो ओनली ए एंड बी ओनली बी एंड सी तीन के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया मान लीजिए ओनली ए एंड बी ओनली बी एंड सी ओनली ए एंड बी या ओनली बी एंड सी, चलिए जी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं ओनली ए एंड सी, तब देखो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए तो केवल इन्हीं पर लाएंगे ए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पर ए पर लगेगा बी और सी पर नहीं लगेगा, यहाँ पर ए और सी पर नहीं लगेगा बी पर लगेगा कॉम्प्लीमेंट, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको, तो ये अगर ऐसा आता है तो यहाँ पर इनको हम ऐसे कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट आता है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी या नन ऑफ ए बी सी, अगर यहाँ पर आता है एटलीस्ट तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर देखेंगे देखिए एटलीस्ट 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 ए बी सी जस्ट वेट एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी ऐसा लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, तो क्या करेंगे यहाँ पर कम से कम ए ये आ रहा है तो यहाँ पर जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, और अगर इसके बाद आता है नन ऑफ ए बी सी नन ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए ये आएगा स्टूडेंट्स ए
नॉट कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी, नॉट सी, ये हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है आपको कुछ ऐसे रिमार्क हैं जो याद रखने हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कुछ और मैं आपको जो रूल हैं वो लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको। जैसे सपोज कर लीजिए मुझे अगर यहाँ पर यही फाइंड करना हो थ्री फाइनाइट सेट्स के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, इनमें से मुझे कोई जैसे फाइंड करना, सपोज कर लीजिए मैं टू वाले ले लेता हूँ यहाँ पर, ये स्टूडेंट ये टू वाले यहाँ पर मैं ले रहा हूँ और इनके क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको जो है ये कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप यहाँ पर देखें, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, अभी मैं करा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी करा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना हो, देखिए यहाँ पर अगर मुझे जैसे यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, अगर स्टूडेंट मुझे ये फाइंड करना है, देखिए जैसे यहाँ पर ये थे यहाँ पर सपोज कर जैसे ये फाइंड करना है, तो ये मैं कैसे फाइंड करूँगा ये मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन, ओके स्टूडेंट, इसमें मैं क्या कर रहा हूं देखिए स्टूडेंट, यहां पर ना इस वाले में इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करता हूं स्टूडेंट, यहां पर इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करता हूं। या चलो अभी सबसे पहले मुझे पता है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखिए मैं इसमें डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, एन मैं ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूं, देखिए स्टूडेंट एन ए इंटरसेक्शन और ये आ गया देखिए बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बाई डी मॉर्गन्स, बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बाई डी मॉर्गन्स लॉ में यहाँ पर देखिए ये आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको। बाई डी मॉर्गन्स लॉ से अगर मैं बात करूँ तो ये होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू इतना इतना आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का रूल ये होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि n a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, n a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो एक मैंने आपको एक रूल और लिखवाया है स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, थोड़ा सा यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एन अगर कहीं पर भी एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट है तो इस रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एन एक्स माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये मैंने आपको रूल लिखवाया है ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं ये रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये ए है, ये एक्स है और ये वाई है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा देखिए एन ए माइनस माइनस कितना आएगा देखिए
एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो देखिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी ये और इंटरसेक्शन ये। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो देखिए ए इंटरसेक्शन यहाँ पर वाई की जगह पर कितना आ गया ये भाई, ये आ गया भाई स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आ गया, तो एन ए यानी ये वाला रूल अगर ये आता है तो एन एक्स माइनस एन एक्स इंटर, तो ये अगर यहाँ पर एन ए आ गया माइनस क्या करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, माइनस कर दिया मैंने। अब इसमें लगाऊंगा मैं स्टूडेंट कौन सा रूल लगाऊंगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टूडेंट्स एन और ये स्टूडेंट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आएगा देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, देखिए मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये है एन ए। तो मैंने कौन सा रूल लगा दिया, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यहां लिख दूंगा मैं स्टूडेंट बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहां पर लगा दिया स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको। तो अब इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही होता है बिल्कुल एज इट इज। अब यहां पर इसमें देखिए ये एन ए है, ये पूरा एक्स है और ये वाई है, इसमें मैं अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा वाला, देखिए एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट एन एक्स प्लस एन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई यहाँ पर आएगा माइनस से माइनस हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर स्टूडेंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा आपको ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर यह है एन ए माइनस स्टूडेंट्स मैं इसी ब्रैकेट में, तो देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी अब क्या आएगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए ए इसको मैं लगाता हूँ बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर और यहाँ पर लगाऊंगा स्टूडेंट मैं छोटा ब्रैकेट एन, अब क्या आएगा यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये एन ए माइनस, अब स्टूडेंट्स देखेंगे ये एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस से प्लस हो जाएगा और ये ए बी ए सी आ रहा है, तो स्टूडेंट क्या बन जाता है ये यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो, मैं इसको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन ये यहाँ पर जेड, अगर ऐसा है स्टूडेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन और यहाँ पर आ रहा है एक्स इंटरसेक्शन जेड, तो स्टूडेंट ये हो जाता है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया। तो आप जरा देख पा रहे हैं इससे क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, देखिए इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में इतना आ गया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर स्टूडेंट्स ये। तो इसको हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर मैं अदर के लिए मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो मैं सिमिलरली इनको भी मैं ऐसे ही फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जरा देखें कैसे करेंगे फाइंड इनको, एक सिमेट्री बन जाएगा यहाँ से, सिमिलरली देखिए सिमिलरली नाउ सेकेंड वन देखिए स्टूडेंट, सेकेंड के लिए अगर मैं यहाँ पर लूँ तो एन अब यहाँ पर आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट सी, सी पर नहीं है तो इसके लिए क्या आएगा, देखो जरा यहाँ पर जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होता वो पहले आता है यहाँ पर एन सी माइनस, और यहाँ पर देखो जो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता उसका इंटरसेक्शन दोनों के साथ में आता है, तो यानी ए माइनस में आएगा ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में आता है इन तीनों का इंटरसेक्शन। ये हो गया स्टूडेंट थर्ड वन। थर्ड की बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पर एन, अब ये केवल सी पर, अब जो भी है जैसे मान लीजिए बी पर नहीं आ रहा, मान लीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी, बी और सी पर आया, यहाँ पर ए और बी पर आ गया, अब चलिए यहाँ पर ए और बी पर आ जाए, तब ए और बी पर आ तो ऑलरेडी आ चुका है, अब किस पर ए और सी पर, ए और सी पर, तब क्या करेंगे देखिए, तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एक मैंने प्रूव करके दिखा दिया है आपको, अदर टू जो है हम सिमिलरली ऐसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा आपको एकदम, कोई भी दिक्कत? ऐसे ही मैं यहाँ पर जो सिंगल सिंगल वाले हैं उनके भी मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स करके दिखा सकता हूँ इसको। देखिए जैसे सिंगल सिंगल में जैसे ये है, सिमिलरली अगर मैं उसके भी प्रूफ डेरिवेशन करके दिखाऊं तो वो भी ऐसे ही हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और उसमें जो आएगा ये तो मैंने आपको जो फर्स्ट सेकंड तीन पार्ट बता दिए इसका एक रिजल्ट के, और अगर ऐसे यहाँ पर एक लगा हुआ है तो उसमें जो आएगा माइनस करके, देखिए स्टूडेंट्स केवल अगर एक पर आता है नंबर चार एन ए इंटरसेक्शन सी है कॉम्प्लीमेंट, केवल एक ही पर लगा है तब स्टूडेंट्स ये हम कैसे फाइंड करेंगे इसका भी एक लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आया। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इतना, तो इसको भी हम स्टूडेंट्स एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड सिक्स वन एन ए इंटरसेक्शन, तो स्टूडेंट यहां पर आएगा एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इनका यूज इस तरह से कर पाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछे यहाँ पर, ये तो केवल इसके लिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ओनली टू ऑफ द सेट्स, टू ऑफ द सेट्स के लिए अगर कहे तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं इन तीनों का सम कर देते हैं, टू ऑफ द सेट्स तीनों का सम कर देंगे, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली वन ऑफ द सेट्स, तो वन ऑफ द सेट के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट थ्री को हम ऐड कर देंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलो मैं इसके लिए भी लिखवा देता हूँ आपको, मैं रफ कर देता हूँ इनको, चलो यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट्स आपसे यहाँ पर कहेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज, नोट कर लेंगे यहाँ पर रिमार्क नोट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ओनली टू ऑफ द सेट्स, इज ओनली टू ऑफ द सेट्स, इज ओनली टू ऑफ द सेट इज इक्वल्स टू इन तीनों का सम स्टूडेंट्स, किस किस का, देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन
ये है स्टूडेंट्स। तो तीनों का सम अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर करूँगा तो देखिए मैं तीनों का सम कर रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का, तो क्या होगा यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन, इतना इंटरसेक्शन, इतना इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा स्टूडेंट थ्री। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये थ्री हो जाएगा यहाँ पर। इन तीनों का सम अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है चलिए जी यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको। देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी माइनस थ्री एन, थ्री इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया यहाँ पर। ऐसे ही आप चाहे तो इसको पार्ट फर्स्ट कर सकते हैं रिमार्क में, पार्ट सेकंड की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या फाइंड करना होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेट। तो इसके लिए मैं इन पहले तीन वाले को, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेट इज इक्वल्स टू इन तीनों का सम, ये वाले। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा देखिए, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, तीनों का इनका सम कर रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स तीनों का जो सम जो आएगा, देखिए सम के लिए मैं जैसे ये है और इसका भी, तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आ जाएगा, और ये आ जाएंगे यहाँ पर टू टू टाइम्स आएंगे, देखिए टू टू टाइम्स आएंगे ये वाले, और वो हो जाएगा थ्री टाइम्स। तो ये आ जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको स्टूडेंट्स, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस टू इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू इंटू बी इंटरसेक्शन सी माइनस टू इंटू ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में आ जाएगा थ्री इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो थ्री वाले के लिए मैं जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस पर डिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।